नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी 365 न्यूज़ चैनल। परेश पुरोहित की रिपोर्ट। कर्नाटक में जैन साधु की हत्या के बाद आज सूरत में समस्त जैन समाज की ओर से एक रैली निकाली गई, सरगम शॉपिंग सेंटर से लेकर कलेक्टर ऑफिस तक, जिसमें हजारों की तादाद में जैन समाज, जैन साधु संत और काफ़ी सनातन धर्म के साधु संत, इसके अलावा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सेवादार मौजूद रहे। रैली के बाद कलेक्टर साहब को आवेदन पत्र दिया गया, जिसमें कर्नाटक सरकार से मांग की है कि हत्यारों को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उन्हें जल्दी से जल्दी कड़क सजा दी जाए, ताकि आने वाले समय में अपने सनातन धर्म में कोई मुश्किल न आए और हत्या की साजिश का पता किया जाए। हमारे रिपोर्टर ने काफ़ी लोगों से बात की। राजू मांडो, जितेंद्र कोठारी, मितेश गांधी, कमलेश भावट, भारत जैन, सुनील कोठारी, सभी सेवादारों ने कर्नाटक सरकार से हत्यारों को जल्दी से जल्दी पकड़ने की मीडिया के माध्यम से मांग रखी गई है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी 365 न्यूज़ चैनल। पंद्रह 20 दिन पहले कर्नाटक में जो हिंसा घटी है, हमारे जैन साधु की हत्या की गई है, इसके उपलक्ष्य में आज सूरत में जैन समाज ने, चारों फिरके के जैन समाज के लोगों ने विशाल रैली का आयोजन किया गया है। और इस रैली में हमने कर्नाटक सरकार से मांग करने जा रहे हैं कि आप जो दोषी हैं, जिन्होंने साधु की हत्या की है, ऐसे दोषी को कड़क से कड़क सजा दें। और ऐसे साधु की हत्या की है जो जैन साधु एक ऐसे साधु होते हैं जो निस्वार्थ देश के लिए, भारत के लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए निस्वार्थ सेवा देते हैं। ऐसे साधु जो कपड़े भी बिना सिलाई के पहनते हैं, ऐसे साधु जो कपड़े में कभी उनको जेब भी नहीं रहता है, कभी उन्होंने पैसे भी नहीं रखे होते, हमेशा पैदल चलते हैं, उनके पास कोई मोह नहीं होता है, कोई माया नहीं होती है, तो क्यों की गई इनकी हत्या? सवाल ये है, उनकी हत्या किसने की और क्यों की? तो उनका खुलासा के लिए हम ये सब जैन समाज ये चाहते हैं कि कर्नाटक सरकार हमारे समाज का सहयोग करें और तुरंत ऐसी इंक्वायरी बिठाएं कि जिसने भी ये काम किया है वो पकड़ा जाए और इनके पीछे क्या साजिश है वो भी समझी जाए। और केंद्र सरकार से भी हम लोग विनती कर रहे हैं, जैन समाज, पूरा जैन समाज केंद्र सरकार से भी विनती करता है कि चाहे हिंदू धर्म के साधु हो, जैन समाज के साधु हो, संत हो, या कोई भी धार्मिक समाज से जुड़े हुए संतों से, साधुओं की सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाए जाए। जय हिंद।